Hey guys, welcome back to another guys, welcome to my YouTube channel. और यहाँ पे हमारे साथ दुआ खानदान के चार लोग हैं. छत्ती नंबर वन, छत्ती नंबर टू, छत्ती नंबर टू का बेटा देवान दुआ. दिस इज अंबिका जो हमारी चाची हैं. ये हमारी बहन है, इनको तो आप जानती होंगे. शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज शी डजंट डिजर्व एन इंट्रोडक्शन. और ये देवांश है. तो चलो आज हम खेलने वाले हैं हु नोज मी बेटर, जिसमें कुछ सवाल होने वाले हैं. आई विल आस्क देम क्वेश्चंस, दे विल हैव टू राइट ऑन अ चिट, और जो एंड में सबसे सही आंसर देगा वो जीतेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. वाले को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई वांट टू गेट मैरिड इन द फ्यूचर? ये तो यस और नो है, तो ज्यादा नहीं. हम रीजन भी देंगे. हां, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. हिंदी में लिखना है. गिव रीजंस. अरे ऐसे दिखा थोड़ी सकते हैं. देखना ले. ओके, सो वी हैव गॉट ऑल थ्री आंसर्स. सबसे पहले हम देवांश का पढ़ते हैं. इन्होंने लिखा है नो, विच इज द रॉन्ग आंसर. आई डू वांट टू गेट मैरिड टू पीपल. इतनी खुशी मुझे. चाची का आंसर है यस, चाहे आज करवा लो. दिस इज समवॉट ट्रू. ट्रू हो सकता है. और डॉल ने लिखा है यस विद थ्री चिल्ड्रन. टू परी डॉल, वी कॉल अ डॉल प्यासे. वी कॉल मी युवराज और नोनू. This is the first time they're getting to know. Chumba. That's coming. So yes, with three children is the wrong answer. So सबसे closest है yes. चाहे आज करवा लो, चाहे आज करवा लो true नहीं है. So चाची gets the point. Well done. शाबाश. कितने बच्चे चाहिए? बच्चे. शादी की बात थी ना. So first question के बाद points are 1-0-0. Let's move on to the next. हाँ, reason मतलब depends on the question. Next question. Which is my favorite vacation destination? Question bhi hai. Jaldi ki please. Okay. So we have all the answers. Bombay aur Goa, mera do hai. Kya ho gaya? Nahi, once you have submitted the answer. Maine dono likha tha. Maine ye galat hai. Hame pata kya ho raha hai. नहीं, ये कोई बात नहीं. बॉम्बे आपका पहला आंसर था. सो यू आर रॉन्ग. देवांश इज गोवा. डॉल इज गोवा. सो द पॉइंट्स आर नाउ 1-1-1. एंड गोवा इज माय फेवरेट डेस्टिनेशन बिकॉज़ आई हैव बीन देयर ट्वाइस. फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा है. इट्स द बेस्ट. तू कहाँ जाना चाहता है? मालदीव. बोलना आता नहीं. मालदीव. मेरे को मेरी नाक पे बॉल लगी थी, जैसा आप देख सकते हैं. एक बम्प है यहाँ पे. मेरे को यहाँ पे बॉल लगी थी. कौन सी क्लास में था? नाक पे बॉल लगी थी. कौन सी क्लास में लगी थी आपको पता? मैं सेम स्कूल में थी. तू तब नहीं थी स्कूल में? मैं थी जब. I think Doll will get this point because neither of them. Seventh is the correct answer. Chachi, aap phir wrong. I am very surprised that you don't know me at all and I think you don't care. Seventh. 1-2-2-1. 2-2-1. तो सातवीं में मेरे को यहाँ पे बॉल लगी थी जब मैं क्रिकेट खेल रहा था. लग रहा है बॉल. और मेरी नाक टेढ़ी है अगर आप क्लोजली देखें. मैंने सुना मैंने इतनी अच्छी लाइन की याददाश्त है. हमने शायद याद रखने लायक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे जब मैं ग्रेजुएशन करी थी हिंदू कॉलेज से, मेरे कोर्स का नाम क्या था? कोर्स का नाम, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स. जो ये इस कोर्स में पढ़ते हैं उन्हें भी नहीं पता होता इसका नाम मोस्टली. जो किसी को नहीं पता होगा, क्लोजेस्ट जो होगा वो जीतेगा. जो सबसे क्लोज होगा वो जीतेगा. ये देख रही है? लो कुछ क्या लिखे बताना थोड़ी है. ये सब गेम है. दस पॉइंट कैंसिल. कुछ साइंस का और कुछ फिजिक्स समथिंग रिलेटेड और कुछ कुछ अजीब सा था. सबसे पहले डॉल का आंसर है बीएससी फिजिकल साइंस ऑनर्स. ऑनर्स तो नहीं था. फिजिकल देख मेरा आंसर है
पीटी फिजिक्स इलेक्ट्रिक ऑनर्स। अरे कहना क्या चाहते हो? देख मैं ठीक हूँ, बीएससी इन साइंस फिजिक्स आगे आ दो सर। बीएससी इन साइंस पीएच आई थिंक डॉल इज द क्लोजेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा कोर्स का नाम था बीएससी फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कोई नहीं करता बट मैंने किया था बिकॉज आई डोंट लाइक टू डू व्हाट एवरीवन डज। फिजिक्स साइंस का जो ऑनर्स कोर्स होता है उसका प्रोग्राम कोर्स होता है बीएससी फिजिकल साइंस। किसी को मार्क्स नहीं मिले थे, फिजिक्स तो सबने लिख दी है। फिजिकल साइंस और तीन सब्जेक्ट थे, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स। मैंने फिजिक और इलेक्ट्रिक का तो नहीं होना, फिजिक्स इलेक्ट्रिक्स ऑनर्स। इसके रिलेटेड आई क्वेश्चन, मेरी कॉलेज में कॉलेज में सीजीपीए कितनी थी? जो एग्जैक्ट तुम्हें शायद तुम्हें पता होगा, लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उसे मिल जाएगा कॉलेज की सीजीपीए। इतना पता है, इसके बाद पॉइंट नहीं पता, गेस करना पड़ेगा। आई थिंक दे आर वेरी क्लोज। अरे आपको इतना ही इसको पता है, चलो यू विल बी सरप्राइज। ओके अपनी तारीफ करवा रहा है। ओके डॉल का ये तेरा है, डॉल का है 9.2, देवांश का है 9.2, चाची का है 9.4 एंड आई'd लाइक टू कांग्रेचुलेट अंबू। 9.32 was exact, so 0.8 की difference से चाची जीतती है ये point. अब 2-2-2, so 9.32 was my CGPA after 3 years. Okay, let's move on to the next question. Which is my favorite dish या food? Veg में बताना? नहीं no, है non-veg. ये तो hint नहीं देना चाहिए था। नहीं veg में पूछना। यार अब मैंने ये गलत invalid. तो चलो लिख लो आप, उसके बाद मुझे जो लगेगा सबसे सही है। खुद लिख लो, वेज तुम जो सही वेज में लिख लो। एक बार खा भी नहीं आया, एक अमला नगर से एक दिन उधर लेके नहीं गया था, वहाँ डिस्कस नहीं करनी। डॉल से डॉल को क्या था? डॉल्चे। अरे वो अरे गिलगिले क्या था? डॉल्चे। डिस्कस क्यों कर रहे हो? आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि डिस्कस हो गया। येलो येलो में रोल रोल खाओ, येलो येलो रोल रोल इसके अंदर मैगी थी। मैगी मैगी तो मैगी नहीं थी। मेन्यू लिख रहे हो चाची ने लिखा पिज्जा विच आई रियली लाइक एक्चुअली बट माय फेवरेट इज यार आई डॉल ने क्या लिखा डोसा आई आल्सो मुझे लगा था जबरदस्ती वैसे आके बैठ गए बट शॉर्मा है मुझे लाइफ में दो चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। दो चीजें जो मुझे लाइफ में खाने की इन जनरल दो चीजों से नफरत है। दो लाइफ में दो चीजें सबसे गंदी लगती है। एक चीज है जो मुझे हो जाए तो बड़ा गंदा लगता है, खाने का। एक तो आ गया, देखो एक तो आ गया। एक है जो हो जाए बड़ा गंदा लगता है, एक ऑब्जेक्ट। बहुत बड़ा हिंट दिया एक ऑब्जेक्ट है, जेन्युइन ऑब्जेक्ट है, एक जो मुझे हो जाए।
वो मुझे बड़ा गंदा लगता है, उससे ज्यादा मुझे कुछ एक ऑब्जेक्ट को देख के ही तुझे प्रॉब्लम लगती है। यार लिखो यार इतना कुछ भी लिख दे। देवांश ने एक ही चीज लिखी है चल ठीक है, दूसरी चीज नहीं लिखी बालून एंड सिनिकल पीपल कुछ नहीं। बलून तो ठीक है लेकिन सिनिकल पीपल कुछ आ ही नहीं रहा था। बलू डिस्कशन विद दैट्स आवर पर्सनल मैटर, सो आई थिंक यहाँ पे लेकिन देख पर्सनल है लेकिन ये बता सही है या नहीं। नहीं ये तो दूसरा आंसर था, एक बलून है कोल्ड है। मतलब वही स्टोर वाली बात है। गुलाब जामुन इसने लिखा है, नॉट द राइट आंसर। तूने क्या लिखा? राजू की बर्थडे। राजू की बर्थडे हिंदी में गलत आंसर है, करेक्ट आंसर इधर लिखा है मैंने। और कहां तो क्या कहां का ऑप्शन है यार, ये चीटिंग है। एक बात बोलो, मैंने आंसर लिखा, मैंने ऑर्डर ये लिखा और फिर मुझे लगा कि तू क्योंकि एक अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से चले बट शी इज वेरी प्रो, पता है दोनों ठीक लिखे हैं मैंने दो कार्ड लगे। मैं पेपर में आंसर लिख के मैं पेपर में आंसर लिख के हेल्दी हो चुका राजू की बर्फी थ्री टू टू क्या बोल रही थी, क्या प्राइस मिलना छोड़ थ्री टू थ्री सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। बचपन में मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टर कौन था? सलमान खान। बचपन अभी तो अभी तो मेरी कोई नो कमेंट। आई चूज टू इग्नोर, आई चूज टू इग्नोर। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को, बोल बोल। डॉल का आंसर शाहिद कपूर ने, आई थिंक इज वेरी गुड लुकिंग बट कितना दुख होगा। कैच नहीं लगाया मैंने। देवांश ने लिखा है रणबीर सैफ अली खान। सैफ अली खान सैफ अली खान ऋतिक रोशन इज द करेक्ट आंसर। हाउ डिड यू नो? अच्छा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे को कौन कब कौन सी क्लास में पहली बार ढंग से लड़की पसंद आई? नाम नहीं बोलना पता ही नहीं है नाम नहीं बोलना कोई बात नहीं।
ये तो बड़ा लेट आया, ये तो अभी बैठा हुआ है नाम हम नहीं रिवील करेंगे बट करना चाहते हैं पांच चार पांच क्यों पांच चार तीन पांच तीन चार तो आफ्टर होने तो मेरे भी पांच छह चाहिए होने चाहिए थे लेकिन एनी बट इन द एंड अंबिका इज द विनर आई थिंक वी हैव टू डू क्वेश्चन ही छह सात थे दस तो देगा कोई बात हां पागल क्वेश्चन बना दे एनीवे Well done. So this is the end of Who Knows Better. We'll come back again sometime with Dua Khandan. आज के लिए शुभ रात्रि. Thanks so much. Welcome back.